जेम्स कैमरून निर्देशित फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर 13 सालों के लंबे समय के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और ये फिल्म महज 2 दिनों में ही कमाई के मामले में तहलका मचाते नजर आ रही है। फिल्म को बम्पर ओपनिंग मिल चुकी है। फिल्म को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर $6 मिलियन की ओपनिंग मिल चुकी है, जो विश्व स्तर पर 6 नंबर पर है। अवतार 2 ने कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है। फिल्म की कमाई जिस रफ्तार से जा रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि अब पूरे विश्व भर में 400 से $500 मिलियन का व्यापार कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि फिल्म ने भारत में अकेले $6 मिलियन की कमाई पहले दिन ही कर ली है। वहीं अगर फिल्म के एक दिन के बिजनेस पर गौर करें तो भारतीय बाजार 3रे नंबर पर है, कि पहले नंबर पर नॉर्थ अमेरिका और दूसरे पर चीन है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में $36 मिलियन की कमाई कर चुकी है, तो चीन में $20 मिलियन की, तो वहीं यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और साउथ कोरिया भी कमाई के मामले में भारत से पीछे है। यूनाइटेड किंगडम में $4.5 मिलियन, फ्रांस में $2.90 मिलियन और साउथ कोरिया में $3.25 मिलियन की कमाई हो चुकी है। लेकिन वही आपको बता दें कि इस फिल्म की कमाई को लेकर जहां नॉर्थ अमेरिका और चीन भारत से आगे हैं, लेकिन टिकट बेचने के मामले में फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर की भारत में गुरुवार तक 2.30 मिलियन टिकट बिकी है, जबकि नॉर्थ अमेरिका में 2.7 मिलियन और चीन में 2.55 लाख टिकटें बिकी है। अगर स्क्रीन्स की बात करें तो भारत में यह फिल्म 4000 स्क्रीन में रिलीज हुई है, नॉर्थ अमेरिका में यह 15000 और चीन में 45000 से ज़्यादा स्क्रीन में रिलीज की गई है। बता दें कि भारत काफ़ी समय से हॉलीवुड फिल्मों के लिए एक बड़ा बाजार साबित होता जा रहा है और हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत एक बड़ा मार्केट बन चुका है। तो वहीं टिकट बिक्री के मामले में भारत, चीन और नॉर्थ अमेरिका के बीच स्पर्धा भी देखी जा रही है। For latest Bollywood news and gossips, subscribe to our channel Bollywood Lifetimes.